स्पोर्ट्स की लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका बीचकार आज 3 मैचों की T20 सीरीज का तीसरा T20 मैच खेला गया। दोस्तों, पाकिस्तान ने 3 में से 2 T20 मैच जीतकर सीरीज पर कब्जा किया हुआ है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं इस तीसरे T20 मैच के बारे में बात करने वाला हूँ कि किस खिलाड़ी ने कैसा प्रदर्शन किया। अगर दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, एक लाइक भी कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। दोस्तों, बात करें इस मैच की तो इस मैच में पाकिस्तान की टीम के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दोस्तों, इस मैच में साउथ अफ्रीका की तरफ से बल्लेबाजी करने उतरे मलान और हैट्रिक्स। दोस्तों, इस मैच में साउथ अफ्रीका की शुरुआत बेहद ही खराब हुई और 10 के स्कोर पर उनका पहला विकेट गिरा। हैट्रिक्स 2 रन बनाकर नवाज की गेंद पर आउट हुए। दोस्तों, इसके बाद जय मसूद भी बल्लेबाजी करना है लेकिन 24 पर साउथ अफ्रीका का दूसरा विकेट गिरा। मसूद 1 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों, इसके बाद बिजोन बल्लेबाजी करना है लेकिन वो भी ज़्यादा समय टिक नहीं पाए और 16 रन बनाकर आउट हुए। 43 पर साउथ अफ्रीका का तीसरा विकेट गिरा। दोस्तों, इसके बाद कप्तान हेनरिक क्लासन बल्लेबाजी करना है लेकिन वो भी 0 रन बनाकर आउट हुए और 46 पर पाकिस्तान का चौथा विकेट गिरा। दोस्तों, इसके बाद डेविड मिलर बल्लेबाजी करना है जिन्होंने मलान के साथ मिलकर साउथ अफ्रीका की पारी को संभाला लेकिन 46 पर साउथ अफ्रीका के 5वां विकेट गिरा। वहीं 48 पर उनका छठा विकेट गिरा। दोस्तों, मलान 27 रन और पोल की 0 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। दोस्तों, एक पास से डेविड मलान आक्रामक पारी खेल रहे थे वहीं दूसरी ओर साउथ अफ्रीका के विकेट गिरते ही चले जा रहे थे। दोस्तों, डेविड मिलर ने शानदार 85 रनों की पारी से मदद से साउथ अफ्रीका ने 20 ओवरों में 8 विकेट स्थान पर 164 रनों की पारी खेली। दोस्तों, साउथ अफ्रीका की तरफ से मलान ने 27, बिजेनेन ने 16, डेविड मिलर ने 85 रन बनाए। वहीं पाकिस्तान की तरफ से महबूब ने 3, मोहम्मद नवाज हसन अली ने 2-2 विकेट लिए। वहीं उस्मान को 1 विकेट हासिल हुआ। दोस्तों, साउथ अफ्रीका के 154 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद रिजवान और हैदर अली बल्लेबाजी करने हैं। दोस्तों, इन दोनों खिलाड़ियों ने पाकिस्तान को पहले विकेट के लिए मजबूर शुरुआत दी। दोस्तों, पहले विकेट के लिए इन दोनों खिलाड़ियों ने 51 रन जोड़े। हैदर अली 15 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों, इसके बाद बाबर आजम बल्लेबाजी करने आए जिन्होंने रिजवान के साथ मिलकर पाकिस्तान की पारी को संभाला। दोस्तों, इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर पाकिस्तान की स्कोर को जीत के दर बचा दिया। दोस्तों, अभी भी पाकिस्तान को जीत के लिए 70 गेंदों पर 100 रन की जरूरत है। दोस्तों, अभी भी आपको क्या लगता है, ये मैच कौन जीतेगा? अपनी राय हमें नीचे जरूर दें। और आज की वीडियो में इतना ही, हम जल्दी नई वीडियो के साथ जरूर मिलेंगे। धन्यवाद।